सोनोटेक कैसेट्स। बैरिसी हो रही है? हैं? मुझसे कह रहे हो कुछ? कह तो रहा था, सुन लेगी तो। सुनाओ, के सुना रहे हो? वो कहाँ है तेरा लाट साहब? स्कूल गया होगा। वो तो कह रहा मेरे स्कूल की छुट्टी पड़गी। छुट्टी? अभी छुट्टी कहाँ से पड़गी? उसे क्या कह मैं अभी वो ही ना मिला जे अब फेल पास का जो पर्चा सा हो गए। और वो जो मैंने खेत पर मजदूर लगा रखे उसे कौन देखेगा? उन्हें तमी देख लो ना। मुझे परले गाँव में जाना फैसला करने को। एक बात बताओ, तुम इस गाँव के प्रधान हो या सारे गाँव के? सारा इलाका मानना मेरे फैसले को, ऐसी समझ रही है? हाँ जानू। प्रधान जी चलो गाड़ी तैयार खड़ी है। अरे वो मेरी बंदूक तो ले ले, घेर में धरी है। वो तो रख ली है। चल तो चल भाई। आ जाएगा तो भेज दूंगी। अम्मी शबनम कहाँ गई? वहाँ तो गई। गई? हाँ। पर उसे थोड़ी ना जाना था आज, उसका रिजल्ट तो कल ही मिल गया और वह पास भी हो गई। मुझे क्या पता, मुझसे बता के थोड़ी ना गई। ठीक है मैं भी जा रही हूँ। ओ छोरी बाल्टी तो धरती जा ऊपर। मुझे देर हो रही है अम्मी, मैं जा रही हूँ। इन छोरियों का तो अल्लाह ही मालिक है। भगवान तुम्हारी जोड़ी को सदा सुखी रखे, देवस्य धीमहि आयुष्मान भव। ये आपका शादी का सर्टिफिकेट है, आज से आप भगवान की नजर में तो पति पत्नी है ही, कानून की नजर में भी आज से आप पति पत्नी हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वकील साहब। इब देखेंगे दुनिया को यार, इब देखेंगे दुनिया को यार, इब ना बिछड़ेंगे, इब ना बिछड़ेंगे ज़िंदगी में यार, इब देखेंगे दुनिया को यार, इब देखेंगे दुनिया को यार। जन्म पुराना है प्यार हमारा, आहा, जन्म पुराना है प्यार हमारा, छूटे कभी ना यो प्यार हमारा, इब खा ले,
इब देखेंगे दुनिया को यार, इब देखेंगे दुनिया को यार। ए काहे लखावे तू शर्मा के, आहा काहे लखावे है तू शर्मा के, आज कली जा तू हाय इतरा के। हम पे छाया है हो, हम पे छाया है अजब खुमार। इब देखेंगे इब देखेंगे दुनिया को यार, इब देखेंगे दुनिया को यार। हाय फूल पे कांटों पे चलना पड़ेगा, फूल पे कांटों पे चलना पड़ेगा, दुनिया के शोलों में जलना पड़ेगा। खुदा देवेगा, खुदा देवेगा हमको करार। इब देखेंगे, इब देखेंगे दुनिया को यार, इब देखेंगे दुनिया को यार। अरे कैसे रही पप्पू, पास होगा के? अरे कुछ बताओगा भी? इंगे को आ तू? अरे यही जो बता दे, क्यों भिदक रहा? भिदक ना रहा, उरे कुआ। अरे कह दे जो कहना। नू नी माने तू, ले देख ले, देख ले। अरे मैं तो पहले कहूं था तू के पास होने वाला है। किसका आयु कार्ड? किसका किसका? इसी का तो है। ले रख, मुझे क्यों दिखा रहा? लाओ इधर। तू के करेगी देख के? बेचारा रोवेगा। दिखाओ। राजेश कुमार, किसका आयु? किसका किसका? इसी का तो है यू। ला दे, ले बे अपना कार्ड। तेरा आयु? मेरा? तेरा नाम भी लिख रहा है इस पे? हाँ भाई, नाम तो मेरा ही लिख रहा, पर खैर नाम लिखने से कौन सा मेरा हो जाएगा यू। अरे ये भी देख ले, फेल आया। फेल? जरूर गुरुजी ने इसमें कुछ गड़बड़ करी है। गड़बड़ तो तन्ने करी है। गुरुजी को मेरे से प्यार है, वो नहीं चाहते मैं इस स्कूल को छोड़कर चला जाऊं। मुझे भी ऐसी लगे। हाँ। चुप। मुझे तो ऐसा लगा कि तू ही नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता? यू तू कह रही है? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। तुमने मुझसे एक वादा किया था कि तुम मुझे पास होकर दिखाओगे, लेकिन तुमने मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया। मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया तुमने। सोनम,
मुझे एक मौका और दे, बस एक मौका। तेरे सर की कसम सोनम, इस बार जो तुझसे वादा किया है उसे पूरा करने के बाद ही अपने घर लेके जाऊंगा। सच? सच सुनो, तेरी ये आंखें अभी यूं मेरा घर है और मेरे इस घर में इन आंसुओं की कोई जगह नहीं है। करियाए फैसला? हाँ जी करियाए जी। बड़ी जल्दी आ गए। सारे लोग मानने मेरे फैसले को और तू चौधरी महेंद्र सिंह को ऐसी समझ रही है। बाप दादा के जमाने से चलती आ रही है और ये तुम्हारे घर में। अरे के बात आज कैसे सज सा रहा है, किसकी बारात में जा रहा है? किसी की के, अपनी बारात में गया था। वो आज रिजल्ट मिला ना मुझे। अच्छा अच्छा। अरे यू नाम भी मिला। अच्छा पास हो गया तू? पास भी होगा और बहुत अच्छे नंबर आए मेरे। और यू ना मेरा रिजल्ट कार्ड। अच्छा राजेश की माँ? हाँ। देख ले आखिर मारे लोंडे ने बाजी मार ली। बेटा तो मेरा भी है जी। चल बेटा मैंने बहुत बढ़िया दूध की खीर बना रखी है खोया डाल के, अभी लेके आ रही हूँ। ताई मैं भी खीर खाऊंगा। हाँ तेरे लिए भी ला रही हूँ। खीर तू भी खा, खीर खा तू भी खा। थारी बात अच्छी ना है। अरे भाई मुझे तो खुद अभी पता लगी है, मैं तो आ ही रहा था गांव में बताने को। अच्छा सारे गांव में बताते हुए शर्म ना आवेगी तुझे? शर्म? अरे छाती चोड़ी हो जाओगी। अच्छा यो देख फेल पास का कार्ड, पास है मेरा छोरा। चौधरी महेंद्र सिंह यो कार्ड तेरे छोरे का नहीं, मेरे छोरे का है। यू देख राजेश का कार्ड, देख फेल है यू। राजेश पर कहां गया? वो कहां गया? सच्चाई सामने आई तो भाग गया। ले 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 पकड़। जब तुझे पता था कि इनका छोरा ऐसा है लोगों के ना ला सकता था तू इसे। शबनम आ गई तू? और आज कहां गई थी? पारुल के घर। पारुल? कौन पारुल? मेरी सहेली सालनपुर वाली। देख तुम उसे झूठ मत बोला कर। मैं झूठ बोल रही हूँ? और क्या, समझाने की बात कह दो तो गैल चिढ़ जा। फिर पूछ क्यों रही? तो
तुझे खवाऊंगा मैं रोटी। एक घंटा हो लिया इस दूध को बिलोते हुए, घी ना आके दे रहा, पता नहीं भाई कहाँ जाने लुक के बैठ गया। हंडिया भी पिट पिट के गरम होली। मेरे बस की ना रोज की ये टिकट पुणे, दूसरा बीर बनने का काम मुझे करना पड़ रहा है। यू काम कर काम, कहीं पर कहली पत्थर ले आओ खाई यार फेंक दी, पर मारी को सुनता तो नहीं। एहे इस पे ना पड़ रहा कुछ भी असर। बताओ जी बाखड़ी भैंस के नीचे भी घी ना, खराब आ गई हूँ भैंस, बदलनी पड़ेगी। भाग कुत्ते के भी तू भी भाग, चिपका याद रह रो लई तेरा गला घोट दो। पड़ेंगे कु तेरी सुसरी फूलती है नहीं, हाथ और जला दिया मेरा, मारी भी के किस्मत फूटी, पीर बनियों के काम हमें करने पड़ गए। ताओ राम राम। राम राम भाई राम राम। ताओ यू कहते हल्दी से पीस रहे हो? समुन्दर मंथन कर रहा हूँ भाई, कुछ लिकेड़ी जा। समुन्दर मंथन? 10 घंटे हो लिए इस दूध को बिलोते हुए, एक चम्मच भी घी नहीं लिख रहा इसमें। ताओ ये सब काम औरतों के हो, आदमी कर लगा फिर औरतों कौन बुझ रहा? अरे औरत का नाम मत ले दिए इस घर में, इसमें रंडवो का शराब पड़ रहा, औरत तो इस घर में झांक भी नहीं सकती। चाचा शराब पड़ रहा हमारा, हमने तुझे कई बार कह ली मारा ब्याह करवा दे, पर तेरे कानों पर जू नहीं रेंगती, अपने तो बाल भी काले करवाओ फिर है तू। तेरा ब्याह करवा दू और मैं कुंवारा रह जाऊं? देख कितना सुरता बन रहा, धरा नहीं रहेगा। चाचा ते तो सींग पासी मैटी दरखी, ना ब्याह करे और ना करण दे। एहे अरे तुम्हें इतनी तावड़ लग रही ब्याह की, तो ढूंढ दो मेरे लिए भी कोई छोरी। कुछ शर्म कर ले चाचा, इस बुढ़ापे में तुझे छोरी मिलेगी, भर्रा चिलत्तर खम मखा। कोई बुढ़िया टोलो, मुझे तो ऐसी चाहिए जो मेरी टहल कर दे, मुझे कौन सा उसके डोके काटने। चाचा हमें तो दिख रहा ढंग, तू रंडवा मरेगा और हमें मारेगा। अरे रंडवा तो तुम मारोगे मुझे, अपनी सिकल देखी तुमने, चुसे हुए आम की ढाल हो रही, थारी सिकल देख के तो देली पे नहीं चढ़ता कोई, और जो कोई आवे तो थारे लक्षण देख के मेरी ओर टाल हो जा, जो 3-4 साल और ऐसी होगी ना तो मैं तो पुजगी माता सी। अरे तो क्यों बुढ़ापे में अंगड़ाई ले रहा, अपनी छोड़ और इनकी सोच, इनकी ओड ले रहा देख के, जब नहीं आते तो मैं तो ढोलक को बूझना आया था। यहाँ ना ढोलक वोलक कुछ भी पता नहीं चले, हमें कहाँ थे काम ना था हम कुछ। अरे कल जो तुझे कही थी वो खबर पहुँचाई तने? तेरी खबर पहुँचाने के 100 रुपए लूंगा। 100 रुपए? अरे 100 रुपए को तो भैंस भी नहीं खाती। मैं लूंगा। चल भाई तुझे 100 रुपए देंगे, पर समझ में आ गई जो कहना तुझे? अच्छी तरह समझ गया, 100 रुपए में तो मैं पूरी किताब बांच दूं। चल तो ठीक है तो फिर। हट जा छोटे। चौधे राजेश के होते हुए इस गांव की जितनी नीलाम नहीं कर सकते तुम। ताऊ 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 राजेश गिर झगड़ा हो रहा। हाँ अरे कहाँ? दूर वहाँ खेत में। हाँ चल फिर चल जल्दी।
ताऊ देख ले ताऊ देख ले ताऊ देख ले छोरी ने गुतरा है ताऊ से रोक जबरदस्ती मैं कर रहा तुम कर रहे राजेश ताऊ छोरी छेड़ रहा था ताऊ बहुत मारा था ना मैं ताऊ देख ले पिताजी ये झूठ बोल रहे हैं मन्ने ने पकड़ लिया साले मुसल रहे हैं मैं ना जमीन में गाड़ दूंगा देख लेता हूँ इब्बी मारने को चढ़ रहा है चिंदा गाड़ देगा जमीन में इतनी गर्मी आ रही है बलजीत गर्मी तो तेरे इन दो छोरों में आ रही है जो गलियों में छोरियों ने छेड़ते फिरे कौन हरामजादा कह रहा है जो मेरे छोरे ने करा ऐसा काम जबान संभाल बलजीत जबान संभाल कदे ऐसा ना हो के बोलने के लिए तेरे हलक में जबान ही ना रहे चौधरी महेंद्र सिंह अपनी प्रधानी पे इतना मत इतरा जो तन ने अपने छोरे का ऐप भी नहीं दिखा देता मैं प्रधानी पे ना इतराता प्रधानी तो मैं इस गांव के लिए कर रहा हूँ रही मेरे छोरे की बात तो मैंने अपने छोरे पर पूरा यकीन है कि यो ऐसी जलील हरकत कदे कर ही नहीं सकता अच्छा प्रधान जी इन बच्चों की बातों पे क्यों लड़ रहे हो तुम आओ चौधरी साहब आओ झगड़ा करना ठीक नहीं है चल भाई देख रहा मैं तुझे भाई चल पिताजी लेकिन पिताजी पिताजी हम झूठ नहीं बोल रहे चुप नलायक हो मुझे सब पता सच के है बात ये नहीं कि तुमने ऐसा काम क्यों किया बात ये है कि तुम पे एक छोरा लिपटा खा खा के सांड हो रे इतनी देर में तो आदमी को गाड़ दे गाड़ देंगे पिताजी एक दिन जरूर गाड़ देंगे तुम ये देखना साले को मार के नहीं जिंदा काट देंगे थम देखना एक दिन पिताजी उसे तो हम ऐसी जगह ले जाके हम मारेंगे जहाँ पानी भी न मिले बातें ऐसी कर रहे हैं ये कितने बड़े बदमाश हैं महेंद्र सिंह जिस दिन मुझे मौका मिला ना तुझे बताऊंगा मेरी औकात क्या है तुम चिंता मत करो पिताजी तुम्हारे ये बाजू एक दिन महेंद्र सिंह को खून के आंसू रुलाएंगे पिताजी देखना तुम अब तू क्यों फिकर करने लगी उसने जो छोरे का हाथ भी लगा दिया ना तो पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा ये काय को गया था वहां मरण देता ससुरों को ठीक करा इसने इसकी जगह अगर जो मैं होता ना तो उसी हरकत पे सुसरन जमीन में गाड़ देता थोड़ा सा नूई चुप था रे पागल है के बेरा किसका नाम ले देती अब तुम कहां चल दिए अरे घेर में कुछ आदमी आ रहे हैं सालतपुर से उनसे मिलने जा रहा हूँ अरे एक वो पटवारी भी आ रहा है तुम्हें तो बस यू ही रोज काम रहे यू चला जाएगा बाजार किसके क्या बस की है ऐसे ही सीखेगा और कैसे सीखेगा और के बुढ़ापे में सीखेगा यू ले भाई ले ये 5,000 रुपए ले और बाजार चला जा और ट्रैक्टर से जाइयो मैं तो मोटरसाइकिल से जाऊंगा मेरी तरफ से चाहे तू जहाज से चला जाइयो रईसुद्दीन जी हमने आपकी लड़की देखी साहिबा हमें पसंद है पर क्या एजाज साहब बातें हैं कि हमारे दो लड़के हैं हम चाहते हैं कि दोनों का निकाह एक साथ कर दें हमने आपकी छोटी बेटी देखी हमें वो भी पसंद है ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी एजाज साहब मुझे कोई एतराज नहीं अगर अल्लाह मियाँ की यही मर्जी है तो यही सही आमीन बैठिए एजाज साहब आप चाय पीजिए बेगम जी? आप जाइए और इनका मीठा मुंह कराइए जी अभी लाई मैं अभी आया जाद साहब या अल्लाह ताला
वाह भाई वाह, आज अल्लाह ने हमारी सुनी ली। देखा साजिदा, आज अल्लाह मियाँ कितना मेहरबान है हम पे। आज हमारी दोनों लड़कियों का रिश्ता पक्का हो गया। मैं ना कहती थी, अल्लाह सबकी सुनता है, अल्लाह ने हमारी भी सुन ली। आमीन। अम्मी, अगर तुम्हें साहिबा का निकाह करना है तो कर लो, पर मैं निकाह नहीं करूंगी। क्या कहा, निकाह नहीं करना? तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ हाँ, मेरा दिमाग ठीक है, एक नहीं हजार बार कहूंगी मैं नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। आराम से बोल, बाहर मेहमान बैठे हैं, वरना तेरी मैं बोटी बोटी करके डाल दूँ यहाँ पे। बेशक मुझे मार डालो, पर मैं निकाह कतई नहीं करूंगी। क्या कहा करमजली? शबनम, ऐसे नहीं कहते। क्यों ना करेगी मरजानी? क्योंकि मेरा निकाह हो चुका है। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? साजिदा इसे समझा, मैं मेहमानों को देखता हूँ। चलो बेगम, हमें नहीं करना इस घर में रिश्ता। ठहरिए इजाज़ साहब, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हमारी बेइज्जती कराने के लिए बुलाया था रईसुद्दीन हमें। बाजी मेरी, अगर यही नाटक दिखाना था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? हटिए यहाँ से, छोड़िए हमारा। मेरी बात तो सुनो, बाजी मेरी बात तो सुनो। नहीं आजाद साहब, नहीं। अब क्या होगा सपनम के रे, थारे क्यों मुंह से लटक रहे हैं? तमें के साफ सुन गया? ये कया बुंगा बुंगा बंधवा दे, मारे बस की ना बुंगा उंगा बांधना। रे तुम फिर अपने चाचा से लड़ी आएगे? चाचा तो के लड़े, हम तो खुद ही लड़े बैठे। अरे कुछ हुआ भी? अरे भाई तू ही करवा दे मारा कुछ जुगाड़। ये कया राड रा राड तो हमारी रोज की होवे चाचा ते ब्याह के पीछे। अरे तुम नु बताओ तुम के चाहो? खाओ, अरे हम तो रसगुल्ले खाना चाहवे। तू भी खा लिया हमारी गैल, मारा ब्याह करवा दे, चला चलिए बारात में। अरे तू चुप रहो बरे बट, मैं ब्याह की तो बात कर रहा। अच्छा मैं चालू थार लियो वरना ढूंढ के लाऊं। अरे बात तो बन जाती पर तन्ने तो ना बनन दी। अरे बात तो अब बनेगी। पंडित जी आ जी। राम राम पंडित जी। राम 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 राम। भाई पंडित जी, तुम्हारा हाथ देख कर यूं बता, मारे नसीब में बहू है कि नहीं? और मेरे भी देखो जी, ये तो मुर्गे हैं, इन्हें फांस ले जो ताल लग जा। अरे थारे पे तो भूरे कौवे का काला का, का, का साया है। अरे तारे सिर पे तो बाकड़ी भैंस की पूंछ मनलारी। अरे तेरे की। अरे थारा मुंह सफेद होने में कोई भी दे 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 नहीं है। कोई उपाय है पंडित जी? है, अब तब पंडित जी को 1101 तो 2 रुपए और पंचो बनाओ कपड़े और बावली कुतिया को खाओ पानी के पटाखे। दे भाई पंडित जी 1100 रुपए दे काट के। हाँ या तो नून का 1100 रुपए दे रहे, 500 पड़े मेरे पे तो। अरे चल 500 ही दे, पर यू पंडित रूस के नहीं जाना चाहिए, ब्याह करवाना। पंडित जी ये 500 रुपए ले लो साई के, बाकी काम होने के बाद दे देंगे। अरे कुछ तो दो, पर तुम चिंता न मनो, थारी सारी कामना पूरी होगी, थारा ब्याह भी होगा, थारे बच्चे भी होंगे, पोते भी होंगे, भैंस भी होंगे, कुत्ते भी होंगे, थारे रख थारे रखवाल करने के लिए, चिंता न मनो। आशीर्वाद तो दे दो। अरे और कहाँ थे, दे दू 500 रुपए तो दिए। भाई अब तो हमें ब्याह की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, अब हमारी बात बनने में ज्यादा टाइम ना। तो फिर चल घरु चल रे। चल भाई। राजेश राजेश राजेश। राजेश वो वही तुम, वही हम और वही हमारा प्यार। राजेश मैंने अब्बू को सब कुछ बता दिया है। के? हाँ राजेश, मैं घर से भाग कर आई हूँ, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो राजेश, मेरा यहाँ दम घुटता है। ले जाऊंगा सोनम, ले जाऊंगा, पर दुनिया से नजर चुरा के ना, दुनिया से नजर मिला के। मुझे कुछ नहीं सुनना राजेश,
तुम मुझे यहाँ से ले चलो राजेश, मुझे यहाँ से ले चलो। हमने शादी करी है सनम, कोई चोरी तो नहीं जो दुनिया से यूं छिपते फिरे। वो नहीं मानेंगे राजेश, वो नहीं मानेंगे। वो मानेंगे जब भगवान ने हमारे प्यार को मान लिया है, वो एक दिन जरूर मानेंगे। मैं उन्हें मना लूंगा। क्या हुआ साजिदा? लड़की का कुछ नहीं पता चला, कहाँ चली गई? या अल्लाह, अब क्या होगा? बाबूजी नमस्ते। बाबूजी मैं सोनम से प्यार करता हूँ और भगवान को साक्षी मानकर हमने शादी की है। बाबूजी सोनम। बाबूजी सोनम? हाँ, हाँ बाबूजी, आपकी शबनम मेरी सोनम। खबरदार, अगर तन्ने अपनी गंदी जबान ते मेरी छोरी का नाम लिया तो तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ही घर में आके और मेरे तो जबान लड़ा रिया। मैं तो आपको बता रहा हूँ सिर्फ। तू बताएगा मुझे? बताऊंगा तो मैं तुझे नवाब जादे और तेरे बाप को जिप तेरी बोटी बोटी करके यहाँ से भिजवाऊंगा। अभी बताता हूँ मैं तुझे। क्या क्या करवाएगी करमजली? अम्मी अब्बू को रोका। अम्मी कहती हूँ रुक जाओ सबनम के अब्बू। हट जा। मैं मरने से नहीं डरता बाबूजी, पर सनम के बगैर नहीं रह सकता। हट साजिदा, परे को हट जा। रुक जाओ सबनम के अब्बू। हट जा छोरी, नहीं तो इसके साथ तेरे को भी दफन कर दूंगा। नहीं अब्बू नहीं, मत मारो। सनम की तरफ बढ़ने वाले हर तूफान को मैं मोड़ दूंगा, उसकी तरफ उठने वाली तलवार को तोड़ दूंगा। सोनम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता। शबनम तू चली जाए यहाँ से और फिर कभी मत आना। मैंने कहा था ना राजेश, वो नहीं मानेंगे, चलो यहाँ से। अरे जमीन तो वो ठीक है गोपी। बिल्कुल ठीक है प्रधान जी, वो जमीन। हाँ फिर तो ठीक है। के करोगे इतनी जमीन लेके? मारे धोरे फतेरी जमीन है, एक ही तो छोरा मारे। फिर एक होया तो के होया? इतना कुछ कर दूंगा कि राज करेगा वो राज। किसी के धोरे है इतनी जमीन जितनी मारे धोरे है? मेरा तो एक छोरा है, सारे अरमान पूरे करूंगा उसके। राज तो मैंने जबान भी दे दिए चौधरी प्रताप सिंह को। काहे की? काहे की? राजेश की ब्याह की और काहे की? राजेश के ब्याह की और राजेश तो ये आ लिया। अरे क्या हुआ यो? हाय राम, अरे क्या हो गया यो? बताता क्यों नहीं क्या हो गया यो? कहीं बलजीत ने तो नहीं करी? बलजीत उसकी तो। अरे ये कौन है? अरे कौन है ये छोरी? थारी बहू है। बहू? मारी बहू। मन्ने मंदिर में शादी करी सोनम से और मैं अपने प्यार को अपने से लगना होने दूंगा। इसके अब्बू कहीं और शादी करना चाहते थे, इसलिए इसे मैं अपनी गैर ले आया। अब्बू? यो गैर समाज की लड़की है? हाँ पिताजी। ये सोच कर लाया तू इसने यहाँ? हम थारी शादी न मान लेंगे। जब भगवान ने हमारी शादी को मान लिया तो तुम्हें क्या दिक्कत है? चलने फिरने की अकल नहीं, प्यार करने चला है। जा छोड़ का इसे इसके घर। छोड़ का हूं? छोड़ने के लिए ना आया था अपनी गैल में? तो तू के चा भाई भी? मैं अपने पुरखा की इज्जत ने मिट्टी में मिला दूं, सारी दुनिया थूकेगी मेरे मुंह पे। तुम थम जाओ, मैं समझा दूंगी इसे। सोनम मेरी मोहब्बत है पिताजी। भाड़ में गई तेरी मोहब्बत? मैं चौधरी प्रताप सिंह को अपनी जुबान दे चुका हूँ, मैं अपनी गर्दन कटवा सकूं पर अपनी जबान नहीं कटा सकता। मैं भी आपका ही खून हूँ पिताजी। मैंने भी सोनम की मांग में सिंदूर भरते हुए कुछ वादे किए थे और जिन्हें मैं मरते दम तक नहीं तोड़ सकता। जा लिकट जा यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ, अपना पकवा खा लूंगा। चल सोनम।
कम तक कम तू तो ऐसी बात ना करे ढोलक। क्यों ना करूं? मुझे छोड़कर चल दिए, एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। मारे साथ रहकर तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करे है? और यार के बिना भी तो जब भी जिंदगी खराब हो जाएगी। मारे साथ रहेगा तो दुखी रहेगा। जब तू ऐसी बात करे यहाँ दर्द होवे। अब बता जब दिल तुझे याद करके रोएगा तो इसे कैसे समझाऊंगा? बता रजेश, बता। ढोलक, तू कहाँ जाएगा भाभी को लेके? जहाँ यू रास्ता ले जाओगा। अभी यू तेरा यार जिंदा है, चल मेरी गैल। कहाँ लेकर जाओगा? जहाँ यू तेरा यार जाएगा, चल। अरे बुड्ढे, लेते दे भी सफा कर दू, पता नहीं नया भी एक ना। अरे करीम लो, पाउडर लो, नखून पॉलिश काजल, अरे कोई तो कुछ ले लो। बिंदी लो, लिपस्टिक लो, नखून पॉलिश लो। यू मोटा तो ठीक लगे, और यहाँ तो बात बनी जावेगी। चौधरी साहब, बिंदी लो, लिपस्टिक लो, कंघा लो, कंघी लो, चौधरी कुछ तो लो। तू हमें नाम नहीं समझ रही, करे लगी यहाँ बकवाद आके। चौधरी साहब, तुम अपनी चौधरन के लिए ले लो, और ये छोरे अपनी बहू के लिए ले लेंगे। भली मानस, अगर चौधरन होती तो टाट कुछ और ही होते। अरे यहाँ तो बारहवीं को भी दाना नहीं पिछाना। नहीं पिछाड़ने को कह, यू मेरी चाची लगे। तेरी भी इस उम्र में चाचा आदत खराब होली, बीर बनने को देखते ही जीव का डर लगे। अरे मारे घर में तो औरत की परछाई भी ना, और तुम्हारा बंदो पठारी। चौधरी मुझे नहीं पता था, एक दो रोटी हो तो दे दो, बड़े जोर की भूख लग रही। रोटी? अरे रोटी खाओ तो हमें कई कई दिन हो जा। बीरबान नहीं होती तो ठेक पे मिल जाती। रंडवे हैं, अगर इनसे ब्याह की बात करी जाए तो घना ही माल हाथ लग सके। चौधरी साहब, छोरी तो है मेरी निगाहों में, तुम कहो तो बात चलाऊं। छोरी? अच्छा छोरी का जिक्र चल रहा। छोरी? अरे छोरी का मजे की करना, कोई मेरी चोट से क्यों तो ढूंढ दे। अरे चाचा पहले बात तो जम जान दे, तू फेरी मुंह को पाड़ लिए। मगा चाचा रहन दे जुमर में चाड़े पाड़न को, मारा घर बस जान दे। ओ खचेड़ू, कुर्सी ला जल्दी ठाके उनके लियो। ये भी ला ठाके। बैठ जाओ। बेटे बहुत जोर की भूख लगी है, रोटी है घर में? आज रोटी तो आज हमने बनाई ना, दूध धरा, एक गिलास दूध ले आऊं। मेरी भी ताल लगवा सके नहीं कहीं। लो जी दूध पियो। अब बता कदाए बरात लेके। पहले उन छोरों के माँ बापों से तो बात कर लो, फिर मेरे वाली का कैसे करेगी? तीनों एक ही घर में हैं। शहर में? हम तो शहर वाली को भी निभा लेंगे, हाथ तो लगा कोई। बात को बिगाड़ा मतलब बात बनने दे। अरे तू बात कर, इतना हम घर की लिपाई पुताई कर रहे। तुम चिंता ना करो, मैं परसों को आऊंगी।
आव गया झूठ बकारी, जो मारते चाल खेली ना घर तक ठाका ले अम्मा। चौधरी जरूर। अरे धड़कू। हाँ भाई कचेड़ू। इब तो मारे बहू आ जाएगी, फिर तो चाचा की खाट वहां घेर देंगे बाहर, और इस पे भिनका करेगी मक्खी, अब लेंगे मौज। अब भाभी आओ। भाभी यू है मेरे मामा मामी का घर। हाँ ये चाबी है, अब ये तेरे धोरे रहेगी। हाँ चल। भाभी कैसे लगा यू खंडर? खंडर बिना मानुष के तो घर खंडर ही हो जावे ना। मैं इसे अपने सपनों की तरह सजाऊंगी। यार ढोलक, मेरे बात यू इब समझ में आई, जिसे तेरे जैसा यार मिल जावे उसे और के चावे। मजे चाहिए के तब मुझे कभी छोड़ के मत जाना। नहीं जाऊंगा ढोलक, नहीं जाऊंगा। अच्छा चल, एक कुछ खाने पीने के लिए ले आऊं। हाँ चल। लच्छो फिर आ गया तू? आई और खाली ना आया मैं। क्यों क्या नोले लिया? ले पकड़ ₹500। मुझे ना चाहिए तेरे ₹500। अरे मेरी बात मान ले, मुझे अपना बना ले, दे देसी घी में नुहा दूंगा मैं। तू मुझे देसी घी में नुहावेगा? अरे देख रे, बहुत देखे तेरे जैसे, गया नहीं अंत। अरे जिसे मिल जा उसके वारे के न्यारे करते हम। आई मुझे ना करवाने वारे के न्यारे, आई कुछ समझ में, चला जा। मैं फेर के अम्मा और तजे अपना बनाकर लेकर जम्मा। आई मुझे ना चाहिए तेरी नोड़ी, मारू या मचाऊ शोर? मगर सोचने का मौका दे रहा और खूब सोच लिए। आई ऐसा ना मानने तो ले। इस कमबख्त ने जीना भारी कर दिया। उठ जामा थोड़ी देर में। राजेश उठो ना। जब मैंने कह दिया उठ जाऊंगा थोड़ी देर में। जल्दी आओ चाय पी लो। अम्मा का आगे नींद खराब कर दी। Ah
चल भाई खड़ा। ला चाय तो दे दे मुझे। पहले कुल्ला कर आओ तब मिलेगी चाय। कुल्ला? मुझे पता तू तेरे शादी करके चाय भी कुल्ला करके पीनी पड़ेगी। तो के ब्याह भी कुल्ला करा करवाता। जितने घने पानी से कुल्ला करेगा उतनी घनी चाय मिलेगी। तो झोड़ मजा आ कुल्ला कर गाऊ, खूब सारा पानी होगा और खूब सारी चाय मिलेगी। सारी उम्र बैठ के पीऊंगा फिर। ला चाय दे दे फिर। अच्छा लो चाय पी लो। मैं खाली चाय पीऊंगा। हलवाई बुलाए, अभी थारे लिए पकवान तारेंगे। भाभी यू हिलाओ झोटा, जल्दी जुआ घेर देगा, इतना केड़ा मत ले वे। अब सोच लिया क्या करना? सोच ले कौन सी तावड़ आ रही है। जीब रोटी न मिलेगी ना तो अपने आप पता चल जाएगी। के करूं मैं? सोच के करना। एक जुगाड़ है मेरे दोरे। के जुगाड़? मेरे मामा की जमीन पड़ी है, उसमें खेती करेंगे। ये तो ठीक कह रहा तू, तुम दोनों खेती करियो और मैं रोटी बनाया करूंगी। मैं खेत में काम करूंगा। और कि तेरे लिए फैक्ट्री खुलेंगे यहाँ। जीप तो तेरे मंदिर में बहुत तावली तावली वचन भरे। तो निभाना रहा। तो मैं ना निभा रही। तो अकड़ क्यों रही है तू? अकड़ रहा? मैं कहाँ अकड़ रहा। चल भाई राजेश इब खड़ा हो ले। चल भाई ढोलक खेत में चल। बेटा पंडित वेद बिचारे इधर के पन्ने इधर कुडारे, फिर उंगली पर करता विचार, इस मकान के बीच में धड़कू तेरे झूठ बताओ सच। सच बताओ गुरुदेव सच। तो बेटे नू बता लड़की का नाम के है? काम के है, अभी तुझे नहीं पता ना चला काम के है। लड़की का नाम बता। लड़की का पता? पते तक ब्याह लिखड़े, नाम तो ब्याह लिखड़े, इतना तो हम भी जाने हैं पंडित जी। क्यों मारा बावड़ा बना रहा? ओ कचेड़ू, अरे तू बता ले लड़की का नाम के है। पंडित जी लड़की के नाम का तो मुझे भी ना पता। अरे तब मेरा फुद्दू बना जाए के हा? 27 तारीख लिखड़ी, कौन से महीने की लिखड़ी? अरे कोई 27 तारीख ना लिखड़ी। लोजो के नाम बता। ब्याह नू 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 लिख देगा फिर फंड के कया? ब्याह ना लिखाड़े, तेरा तो बाप भी लिखाड़ेगा। इतने दिनों में तो मेरी भावड़ी और फिर भी मारा पागल बना रहा। ठीक है होश में आ जाओ अन्ना, सारा ब्याह कदनी होन दुआ। तू ना होन दे, तेरे गोड्डे तोड़ देंगे हम। कचेड़ू लाठी लटा के भी लाया। अरे लटना पाया गंडा पाया। अरे गंडे ते ही सूड़ ले चा। ओए गंडे ना मार दिए अन्ना, सी जगह चिपक और तबरने रख में जगह ना मिलने की। वहाँ भी इतने के घास के कीड़े पड़ेंगे। तो फिर लिखाड़ तक ना लोंडियों के नाम में केदरा, मारे नाम तो लिखाड़। नुनाता साले इब तो सही होगा, 12 साल में तो कुड़ी पे बाहर आई और तू से अड़ नहीं दे रहा। ले पकड़ गंडा, इसकी कमर का बांस तोड़ दे। पंडित, अरे मैं तुझे मंदिर में ढूंढता फिरू, तू यहाँ पड़ा। क्या बात होगी? अरे ब्याह सुझवाना था।
किसका? अरे किसका के अपना बीरबल के नाम का पता है कुछ? अरे बीरबानी के नाम तक डोके काट देगा, तुम मेरे नाम से निकाल। अरे भगतू, अरे तू पागल पागल हो गया की गैल? अरे पागल हो रहा घेर घोट के तो ये बात जमाई, तुम्हारा काम बिगाड़ रहा। अरे कचेड़ू भाई, इतना चाचा जिंदा रहेगा नी, मारे फेरे नहीं फिरन देगा, यू अपने जुगाड़ में लगा रहे। आज तो इसे भी ले लो इसे, मारो। अरे मारो बेटे, छोड़ दो, मारो नाच के तो छोड़ दो। अरे अरे मकाज रोटी मिल जाओगी ना? क्यों चिल्लाने लग रहे, लो रोटी। तुम्हें पता है आज मेरे यहाँ एक सहेली बनी है और वो बालकों को भी पढ़ावा है स्कूल में। तो तुझे पढ़ना? मुझे क्यों पढ़ना होता, मैं तो नू सोच रही थी मैं भी पढ़ा दिया करूंगी बालकों को। तू घर का हिल्ला कर ले, कभी भी पढ़वाऊं तेरे पे बालक। कुछ तुम काम करियो, कुछ मैं काम करूंगी, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर छोड़ दूंगी पढ़ाना। मुझे पता क्या करना, समझ गई? अजी अब तुम अकेले ना हो, मैं भी थारे साथ हूँ, और दोनों मिलके अपने सपने सजाएंगे। सपने सजाओगी, दुनिया क्या कहेगी कि चौधरी महेंद्र सिंह की बहू नौकरी करे? अजी अब हम अपने फैसले खुद करेंगे। हाँ हाँ कर लेंगे फैसले, चुपचाप जाकर पढ़ ला दे। इसका मतलब तुम मान गए? रे खम्बा खा दिमाग ना खराब करे, जब पढ़ ला दे कभी भी भिजवाऊं स्कूल। मैं ना लगती पानी वानी और ना मैं घर का काम करती। अरे तू बालों की ढल नौटंकी तो करे ना। तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते? अजी मान भी जाओ ना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा चली जाइए। हाय तुम कितने अच्छे हो। बाकी किसी ने सच्ची कहा, औरत की बुद्धि उसी गुद्धि में हो, अपनी बात पर हट जा तो हट जा। अरे अब तुम क्या देख रहे, तुम भी जा खालो रोटी। अरे रईसुद्दीन तन्ने बिरादरी की नाक कटवा दी। सभी मोहम्मद मुझे माफ कर दो। अरे तू हमें बतकता, हम साले की बोटी बोटी कर देते। ऐसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे। आज से तुम्हारी बिरादरी में बैठने लाग नहीं रहा, आज से तेरा हुक्का पानी बंद। नहीं तू बैठ, तेरे लिए भी चाय बना के लाती हूँ। नहीं तू बैठ, चाय रहने दे। अच्छा तू मैंने न्यू बता, तूने राजेश को कैसे फसाया था? मनला फसाया। और उसने मुझे फसाया। सीमा वो दिन भी अजीब थे, जीव तो ऐसा लगता था उसके जैसा और कोई है ही नहीं। अच्छा तू मैंने न्यू बता, तूने राजेश से कैसे बात करी? दिल की बातें तो नजरों से होती हैं सीमा, और नजरें ही समझती हैं। न जाने कब हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब एक दूसरे के बगैर रहा नहीं जाता। ओहो तू तो पूरी मुमताज हो रही है। हाँ हाँ मैं उसकी मुमताज, वो मेरा शाहजहां। सीमा तुझे पता है एक दिन हम स्कूल की तरफ से पिकनिक मनाने गए थे, और दिल भी आया तेरे रुमाल पे।
छोटे जालिम कमान से। अच्छा तो मैं चलती हूँ। अरे थारी कौन सा सासु रांड होगी, खड़े हो जाओ झाड़ू पाड़ू मार लो। चाचा दो एक दिन और रुका रहो, मेरी बहू आ जाएगी वही लगा लेगी झाड़ू, मेरे बटका भी वही करे करेगी फिर काम। अबे चौधरी राम राम। लच्छो आजा आजा, हम तो तेरे। अरे जा कुर्सी ला, चल अभी ले आया। बैठो जी। और सुना लच्छो, बातचीत हुई नहीं हुई? चौधरी साहब थोड़ी दिक्कत सी आ गई, मैं जाना तो सोच रही थी फिर मैं गई नहीं। अच्छा गई ना? मेरी पूरी बात तो सुनो। क्यों नहीं गई, दिखे होश में आ जा। धड़कू बेटा, जब किसी लड़की वालों का यहाँ जा जा ना तो नए कपड़े और गाड़ी में बैठ कर जा जा, और दिखे कदी बात बिगड़ जा। मैं नू ही तो नहीं गई, कदी बने बना खेल बिगड़ जा। तो बता कैसे करी जा? थोड़े घने पैसे दे दो, एक तो गाड़ी करूंगी किराए पे और एक अच्छी सी लूंगी साड़ी, बहुत ऊंचा खानदान है उनका, जीप जाऊंगी। तो नू के खचेड़ू, मेरे संदूक में जा पैसे ला निकाल के। अरे तू ले आ जितने भी धरे। अजी हमें यू तो बता दो वो मारे वाली कैसी है। ठीक है, कैसी होती देख तेरे ससुरे का। चाचा 5,000 रुपए। और तावली करवा दे, इब मेरे पर आ जाता बहु बिना। जा तो ही करवा दो काम को। ठीक है, अब क्या बात पूरी करके आई है? चौधरी थारे गांव का पंडित बहुत खराब है, कदियो घर बैठ जा के और संभाल लियो से। एक काम करियो, अब का जब थारे घर आवे ना हमें बुला लियो एक बेर, उसके तो बक्कल तार देंगे हम। अर मका दिखे मेरा ध्यान रखिए। देख रहे इसे बुंदी सिकल के कोपड़ी पड़ रही। क्या हुआ? अरे साहिबा साहिबा कहाँ मर गई तू? तेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, एक गिलास पानी तो लेके आ। जल्दी आ जल्दी। ये लो अम्मी। लो पानी पी लो। अब्बू पानी पी लो। तुम चिंता ना करो सबनम के अब्बू, गांव वाले कौन होते हैं हमारा फैसला करने वाले, हमारा तो फैसला हमारा खुदा करेगा। मस्जिद में ना जाने देने से क्या हमारे खुदा को हमसे छीन लेंगे वो? जी बरादरी वाले मुँह फेर ले साजिदा, तो आदमी दोरा क्या रह जावे।
अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा। हमारी बिटिया के साथ कौन निकाह करेगा? चलो तो कहीं दूर ही चले। कहाँ जाएगा खुदा की बंदी, या दुनिया ना बदले? तारे घुट घुट के मरने से क्या ये दुनिया बदल जाएगी? अब्बू अम्मी अम्मी, मैं थारी शबनम। अम्मी खुदा के वास्ते कुछ तो बोलो। के बोलूं, तैने हमारी ऐसी दुर्गति करी, ना हम जी सके और ना हम मर सके। तेरे दिए हुए गम में तेरे अब्बू घुट घुट के मर रहे हैं। क्या हुआ अब्बू को, क्या हुआ? तुझे क्या मतलब, तू तो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तू हमारे घर से गई थी। अगर तेरे अब्बू को कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगी, कभी नहीं। नहीं अम्मी नहीं। तेरे जैसी औलाद को अल्लाह दोजख में भी जगह न दे, और कयामत वाले दिन तुझे सारा हिसाब देना पड़ेगा। नहीं अम्मी, ऐसा मत कहो अम्मी। कहूंगी, हजार बेर कहूंगी, आज ये हालत तेरी वजह से है। तेरे अब्बू आज मर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। चल साहेबा। अम्मी आज ना गई स्कूल में पढ़ाने है। रास्ते में अम्मी जान और साहिबा मिली थी। वो बता रही थी कि अब्बू जान की तबीयत बहुत खराब है। तो मैं क्या करूं? चलो उन्हें देख कर आते हैं। तू तो नुकह थी हम उनकी जिंदगी भर शिकल भी ना देखने के। हर्दिक तुझे जाना, तू जा, मेरे पास टाइम ना, मजा काम करना। चलो ना। जब मैंने तुझे एक बार कह दिया। सोनम, सोनम, तुझे पता है ना कि तू मेरी कमजोरी है। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ठीक है, तो सुबह चलेंगे। सच सोनू टेप कैसेट्स। कहाँ रह गया वो पंडित का बच्चा? पंडित आने वाला हो रहा। के कहा, खाने का टाइम हो रहा। रे खाया पिया तो बाद में जागा, पहले उसे पंडित को देख लो। नहीं तो मैं कह रही हूँ। चलो रे अपनी अपनी पोजीशन ले लो। के कया, ऑक्सीजन ले लो। रे ऑक्सीजन लेने को के हम पानी में उतर रहे। अरे लुबक लो भीतर चल के। अरे फिर मैं के नहा कर रहा, तुम ही देर कर रहे हो। चलो फिर, चलो फिर, चलो। रे कोई है के घर में?
आजा आजा। अरे कहाँ जा रहा, क्वार क्वार तो भेज दे। इभी भेज रहा हूँ गुरुजी। आइए आ जाओ, आज तो दोनों की खाल उतरनी है। विचार ये करक ठीक तो है, अपना आप बना देंगे। सोच लिया? हाँ हाँ सोच लिया। भीतर चलो, रोटी खुआऊंगी, दूध पियाऊंगी, मिठाई खुआऊंगी। चले। हाँ गुरुजी। चलो चलिए। आई चले, आज तो कुछ हो करेगा। अरे बच्चा, अरे बच्चा, अरे कोई छुटा दो। अरे बच्चे, मैं करूंगा तेरे पास की। खजूर से तू भी आज की करे। अरे अरे लच्छा, ताजा बाला कच्चा। मार दिया गुरुजी। अरे मर गए। अरे चल ले। अरे तू भी क्यों आया आज की में? गुरुजी मैं पहले ही कह रहा था। अरे अरे भागने के लिए पेल मारे। आए आए अरे आए आए चल ले। अरे कहाँ फसवा दिया तन्ने गुरुजी। आए अरे मुझे क्या पता था पंडित जी। हाँ अरे फेर क्या होगा के? ए फेर ना आएगा भूल के भी। अरे रसगुल्ले खुआवेंगे। अरे आजा लच्छा का मिल ले। आजा। ए हमने खाते तई मिल के खा लियो। अरे नहीं आजा। अरे रुक जा और देवेंगे। ना भाई ना। अम्मी अम्मी अबू क्या हो गया भाई? अम्मी अबू क्या हो गया? सही बात। तूने भी मुझे माफ नहीं किया। चलो माफ माफ तो तुम्हें मैं भी नहीं कर सकती। तूने जो किया घना गलत किया। जिंदगी के फैसले ऐसे नहीं लिए जाते शबनम, इसमें घर बर्बाद हो जाए। शादी तो घरों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। देखा तुम्हारी नादानी ने आज क्या कर दिया। मगा मान जा गणा ना बोला रोटी पोले। रोटी मैं नहीं पोऊं, तू पो वगा। मैं नहीं पोने का, मेरे जुम्मे नहीं सुसरा चून मारना। मैं तेरा गुट्टा मार दूंगा मुंह पे। मैं तेरे कान पैर दूंगा साले। अभी तू नू ना मरना। मेरे पर रोटी पोवा मैं तेरा पत्थर तार दूंगा। अभी रोज की मैं पोऊं रोटी, मैं पोऊं मां तेरा चक्कर, मैं मरवा। ले 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 ले। अरे मान जाओ, कैसे खुंटे पड़ा रहे हो तुम। अरे मान जाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ मारा ब्याह कर दे और ना तो हमें नारे कर दे। अरे बस की नहीं, बिल्कुल भी काम करना। अरे मान जाओ नाच खत्ता मान जाओ। अरे मेरे क्यों मार रहे हो? अरे मेरा लग जाएगी। खैर जब झोटे की डाल लड़ रहे यहाँ आओ। के बात थी? के बात थी, मारे बस की ना रोज की छक्कड़ पोने। न्यारा करते हम आज ही। हमें करना चटमंगनी पट ब्याह, फिर ना मिले मौका न्यारा होने का। चाचा तू हमें भी कर दे न्यारा। न्यारा करूँ तो मैं? समय समय तो आ लिया, तू हमें न्यारा कर दे न्यारा। चाचा तू कर दे हमें न्यारा, हम तो अपनी बहू को लेकर अलग रहेंगे। बहू को लेके? देखे देखे तो यू है बिजार की ढाल, यू हमारी तार लगड़ देगा मियाँ बीबियों की। हमें तो अलग कोठा चाहिए अलग। अरे कहाँ बनो बैठगी थारे? मरे भला मैं मरण दू, साले की खाल ना तार दूंगा। तू तारेगा मेरी खाल। चुप, बात तो बनी नहीं, चल दिए न्यारे होन। अरे लच्छो को आ तो जान दो। अरे चाचा तू भी न्यारा हो जा, हम के तजा रोक रे। रोक रे रोक रे, चार है मारे, दो तो चाचा के और एक का मारा। और बोल
तू बोलता जा और मैं मारता जाऊंगा। मैं बनवाऊंगा तुम्हें प्रधान। मकान मकान के तीन हिस्से कर ले और चाचा बांट ले, जोन सा तुझे चाहिए ले ले। मैं बटवाऊंगा थारे पे मकान। सोनम देख रोटी जल रही है। देख के नहीं कर सकती। यू कब तक चलेगा सनम, यू कब तक चलेगा? ये सब मेरी वजह से हुआ राजेश, मेरी वजह से मेरे अब्बू। सोनम अगर इंसान के हाथ में होता वो अपनों को कभी अपने से दूर नहीं होने देता। सब ठीक हो जाएगा सोनम, सब ठीक हो जाएगा। ओ मैं निकला जोटा लेके चक रोड में एक मोड़ आया, तारी चाची वही छोड़ आया। एक मोड़ आया तारी चाची वही छोड़ आया। अरे कैसे पटी कैसे पटी कैसे पटी रे मारी कैसे पटी, लड़ाई में यो जा कट कैसे पटी, लड़ाई में यो जा कट कैसे पटी। किलसू 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 किलसू। अरे चाचा तुझे कुछ बता भी, सम्मान आ लिया? अरे मैं के करूं, मरूं मरण में तो हम आगे, तन्ना मारी जिंदगी कुत्ते ते भी बदतर बना दी चाचा। चुपके बैठ जाओ, कदी कोई सा पिछे थारे मत है। मिठा मारा कहा तो आया मिठा, मारा बहुत तन्न बन्न बैठा रखी जो उसका सिंदारा आया होगा। मेरे बैठी बोडिया तुम मजे खा लो। अरे रुक जा एक बार। चाचा तूनु क्या था मेरे यार का चार पांच लोंडी है, तू उससे मिल ले एक बार। अरे कुकर मिल लू, उस जकोई का तो पता ही नहीं, धरती निकल गया आसमान खा गया। अरे एक बात बताऊ, उसके बाण भी है। अरे लाली बस दूंगे और कतेक दोगी? अरे लाली मारा दरात पाया नहीं, पता नहीं बाल को ना कहां धर दिया, फिर भिजवा दूंगी काम करके। अरे क्या हो रहा तुझे, कैसे है तबीयत, ठीक ना है? पता ना चाची क्या हो रहा, तड़की से सुक्की उल्टी हो जा रही। मुंह मीठा करवा बेटी। मुंह मीठा? अरे हाँ तो माँ बनने वाली है। सच्ची चाची? अरे चाची क्या मीठे की बात हो रही है? जब मीठे की बात है तो मीठे ना मांगू के। अरे ऐसा कौन सा हमारी लाठरी लग गई? तू बाप बनने वाला है? तू सच कह रही है? और के सच। झुका के शर्मा के
आंखें झुका के यूं शर्मा के बात यूं ऐसे बताई है। खिल गया दिल का, खिल गया दिल का, खिल गया दिल का, कोना कोना खुशी तू ऐसी लाई है। खिल गया दिल का, कोना कोना खुशी तू ऐसी लाई है। खिल गया दिल का, कोना कोना खुशी तू ऐसी लाई है। हालत में देख के तुझको मन मेरा हर्ष आवे है, बनूंगा बापू सोच का मेरे जी मैं जी सा आवे है। गजरा लगा के बिंदिया सजा के, गजरा लगा के बिंदिया सजा के बात ऐसी बताई है। खिल गया दिल का, कोना कोना खुशी तू ऐसी लाई है। खिल गया दिल का, कोना कोना खुशी तू ऐसी लाई है। तूने आज ये मेरा पूरा सपना कर डाला, तेरे गले में आज तुम्हें भी खुशियों की डालू माला। अरे मेरे साजन तेरी खुशी में मेरा दिल भी झूमता, चाहे धरती सारी सारा अंबर यूं भी झूमता, अंबर यूं भी घूमता, अंबर यूं भी घूमता, अंबर यूं भी घूमता। गजरा लगा के पाया सजा के, घूंघटा हटा के पाया तू ऐसी लाई है। उसकी गोद में उसे खिलाऊंगा, कदे तू गावेगी लोरी कद मैं घोड़ा बन जाऊंगा। अरे मैं भी माथे पे उसके रे काला तिलक लगाऊंगी, दूध मलाई सब अपने हाथों से उसे खिलाऊंगी, हाथों से उसे खिलाऊंगी, हाथों से उसे खिलाऊंगी, हाथों से उसे खिलाऊंगी। गजरा लगा के बिंदिया सजा के, दिल का कोना कोना खुशी तू ऐसी लाई है। खिल गया दिल का, कोना कोना खुशी तू ऐसी लाई है। खिल गया दिल का, कोना कोना खुशी तू ऐसी लाई है। ताऊ राम राम। ढोलक आ जा बेटा, आ जा। कैसा है तू? ठीक हूँ। और मेरा राजेश कैसा है? वो भी ठीक है, पर क्या?
पहले मिठाई खिला तब बताऊंगा। मिठाई भी खिलाऊंगी, खूब सारी मिठाई खिलाऊंगी मेरे बच्चे, तू बता तो। इसने मिठाई ना, इसे गोबर खुआ दे थोड़ा सा। तुम तो ऐसे ही डांटे करो बच्चों को। पते कुछ बोलेगा भी? ताऊ तुम बाबा बनने वाले हो। हैं? राजेश की माँ? हाँ। सुना तने ढोलक के कह रहा है? सुना जी मैंने। मैं बाबा बनने वाला हूँ। तो मैं भी दादी बनने वाली हूँ। अब खिलाऊंगी तुझे पेट भर के मिठाई। चल तुझे हलवाई की दुकान पे ले चलूं, जो जी माए सो खाइयो। सारे गांव को दावत दूंगा। अभी जा रहा हूँ गोपी को बताने। ठीक है तुम जाओ, मैं भी मिठाई खिला दूं अपनी सहेलियों को काम में। अब तुम्हें क्या हो गया, कैसे बैठ गए? मैं भूल गया था राजेश की माँ, अब वो मेरा बेटा नहीं। क्या बताऊंगा जाके गांव वालों को? मेरी तो बची कुची इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। तुम्हें अपनी इज्जत तो दिख रही है, वे ना दिख रही जो भगवान ने हमें खुशी दी है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी जिसमें मेरा दम घुटता हो। वो देख छोटे, एक यही है जो हमें राजेश तक पहुंचा सकता है। भाई पकड़ ले इसने। ना छोटे ऐसी गलती मत करना, जाने दे इसे। बड़े भाई पहले तो इससे निमट लेते हैं, राजेश से तो बाद में निमट लेंगे। अरे ये तो एक बकरी है छोटे, और हमें तो शेर का शिकार करना। शेर का? फिर भाई इस बकरी के सहारे हम शेर तक पहुंच जाएंगे, फिर देखेंगे उस राजेश के बच्चे को। चलो भाई चलो चलो। आ छोटे। अच्छा तो यू है हमारे हीरो का घर, ध्यान से देख लिए, भूल मत जाइए। आ इब चल चल छोटे। तू भी खा लेने। नहीं तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। सोनम ने खाना खाना क्यों मना कर दिया? जरूर कुछ ना कुछ बात है। चल चल के देखता हूं। चले गए? पता नहीं के ढूंढ रहा था, बाहर को गया। Thank you.
अरे जल्दी जल्दी काम करो भाई, कैसे आराम कर रहे हो? थोड़ा काम मिलेगा साहब जी। तू यहाँ काम करेगा? शकल तो हीरो लगता है, क्या काम करेगा? टेम टेम की बात है साहब जी, आप मुझे काम बताएं, जो भी काम बताएंगे मैं कर लूंगा। फावड़ा चलाना पड़ेगा और मिट्टी ठानी पड़ेगी। सब काम कर लूंगा साहब जी। चल भैया कर लेगा तो चल, उठा फावड़ा चल। धड़को, ओ धड़को, रे रोटी बना ले। ना ले, आ तो तड़की तई नायो बैठा हूँ मैं चाचा। अरे रोटी बना ले, रोटी बना ले, थोड़ी सी देर रुक जा, लाजो आन वाली होगी। और जो कल को बरात जाल लगी तो वही ना खावांगे रसगुल्ले, और परसों को वे पोई लेंगी आके, खाम में खा परेशान हो रहा। भाई ब्याह के भूखे तो बहुत देखे, पर ठंड तड़े तड़े। अरे चाचा कसर तो तन्ने भी नहीं छोड़ रखी, तू भी आतू कूद दे, मन ने देखा तो जरा रात को। चुप, अरे मैं तो थारे चक्कर में पिस रहा, बिराने घर की लोंडिया आवेंगी, उन्हें रखने के लिए बड़ी बुड्ढी भी चाहिए कोई घर में। चढ़त बढ़िया होनी चाहिए, तू चिंता मत कर चाचा, चढ़त पे तो मैं ऐसा धुम्मा ठा दूंगा, सारा गांव जलकर राख हो जाएगा, बाजे वालों की लाइन लगा दूंगा लाइन। अरे हमारी भी सुन लो, मैं तो भाई भी हमें डीजे बजवाऊंगा, आजकल उसी का फैशन चल रहा। आओ 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 आओ, मैं भी चार ढोल और चार नचनिया लेके जाऊंगा और कुदन की डाल की। चौधरी राम राम। अरे चाचा तो लच्छो भी आ ली। हाँ लच्छो, अरे लच्छो, अरे बैठ जा लच्छो, बैठ जा ले, बैठ जा, आज तो बनगी होगी बात। अरे तावड़ करके बता दे, मारा तो बड़ी बेचैनी हो रही है। उनका दो छोटे भैया हैं, दो भतीजे हैं और दो माँ बाप है। हमें रकात तक के लेना, हमारे काम की बात बता। पहली बेर तो लड़के वालों को ऐसी जावे, कपड़ा भी और चीज भी। पहले बताती तू, सारा सामान लेके भेजते, मारे के तोड़ा रहा। मजा कौन सा पता है, मेरा क्या ब्याह हो रहा है। फिर अब कैसे करें? एक बेर तो तुम्हें देना पड़ेगा, सारी उम्र तो नहीं देना है। अरे बेटा खचेड़ू। अच्छा जब पीछे ला निकाल के ये भी लाया। जा और तो कोई दिक्कत ना? नहीं चौधरी और कोई दिक्कत नहीं है। ले अच्छा ला बेटा ले, दिन और तारीख पक्की करके आई है आपके, ना इंसान का बहुत रुका काम में, फिर ना कहिए मुझे। चिंता ना करो, आपका सारी आर पार ही करके आऊंगी। हाँ सारी करके आई है आपके, इफ्तावली करवा दे भी हमारा। और मेरा यार बनेगा दूल्हा, यार बनेगा दूल्हा, मेरा यार बनेगा दूल्हा, मेरा यार बनेगा दूल्हा। बताओ जी, दो बज लिए, मैडम हमारी अब लो रोटी बना के ना लाई।
जी सुनो, रोटी खा लो। मुझे ना खानी, ले जा परेगू। देखो खाते ही रह जाओगे। बस बस रहन दे, मुझे पता तू कैसी रोटी बनावे। रात की रोटी खाने से तो बढ़िया है ठीक है, मैं जहर वहर जा खा लूं। याद आया, इसे मेरा डांस बहुत पसंद है, डांस देख के तो मान ही जाएगा। अरे दिखा कैसे हट जा, जब पानी खोलन जाना और ये बंदरे को डाल नाचना कूदना छोड़ दे और आगे तो हट जा। हाय घड़ी ना इतरावे जा मेरा ना सिर खावे, हाय घड़ी ना इतरावे जा मेरा ना सिर खावे, फिर गल लगे ना ताल मने ना समझावे, हाय घड़ी ना इतरावे जा मेरा ना सिर खावे, हाय घड़ी ना इतरावे फिर गल लगे ना ताल मने ना समझावे, हाय घड़ी ना इतरावे जा मेरा ना सिर खावे। बता तू मुझे प्यार ना करता? मैं ना करता तुझे प्यार व्यार, और दिखे जाए ड्रामबाजी करने की जरूरत ना, नहीं तो इतना दूर चले जाऊंगा कि तेरा हाथ भी नहाने का हूं, चिकल देखने को तरस जाएगी। चल हट। सच में तुम्हारे गुजारी दिखे? अरे रुक जा, मैं ना जा रहा तुझे कहीं छोड़ के। बात तेरी मानूंगा तेरा कहा ना टालूंगा, बात तेरी मानूंगा तेरा कहा ना टालूंगा, तेरी गैल रहूं दिन रात रहेंगे साथ या कसम निभावेंगे, दोनों कसम निभावेंगे, दोनों कसम निभावेंगे।
यू दीपक यहाँ और वो भी बंदूक के साथ में यू यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई तुम्हारा काम हो गया है। कहाँ है? पीछे गड्डी में पड़ी है बेहोश, भीतर ले आओ। और बाकी के पैसे? वो भी मिल जाएंगे, माल तो लाओ भीतर। चलो बे बाहर लेके आओ। अच्छा तो तू? हाँ मैं, बोल के करेगा। अच्छा करा जो तू खुद ही मौत के मुंह में आ गया। इस मौके की तलाश में तो हम घने दिन से थे भाई, आखिर हमें अपना पुराना हिसाब भी तो चुकाना है। हिसाब पुराना हो या नया, मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। और तू उस दिन की मार भूल गया जो आज फिर पिटन चला आया? अबे ओए चल यहाँ से, तेरा काम खत्म, कल आके पैसे ले जाना। अबे ओए पैसे की भपकी मत दे ना, तो साले को इस भट्टे में ही झोंक दूंगा। नहीं यार भाई, यू मेरा शिकार है, मैं इसे खुद देख लूंगा। तुम अपना माल संभालो। तो आ जाओ तुम सारे के सारे, आज थारी सबकी तमन्ना पूरी कर दूंगा। थारी सबकी के बच्चे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं राजेश भाई, मुझे मत मारो। नहीं राजेश, नहीं, तुम इसे मत मारो राजेश। अगर तुमने इसे मार दिया तो शबनम का क्या होगा, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगी। ऐसे आदमी को जान से मार देना चाहिए जो किसी की इज्जत खेल ले। साहिबा, अगर तुझे आज कुछ हो जाता तो मैं शबनम के जवाब देता।
साहिबा मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं साहिबा से बहुत प्यार करता हूँ। तू इससे प्यार करता है? कौन है यू? ये आरिफ है। आरिफ, तू इसे प्यार कहता है? यू सब हवा से हवस, प्यार आत्मा से किया जाता है, शरीर से नहीं। राजेश भाई मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं साहिबा के प्यार में भटक गया था और मेरे अम्मी अब्बू भी मेरे निकाह के सख्त खिलाफ थे और इसने भी मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि मैं ये गलत कदम उठा बैठा। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। पूछेगी ना कि मैं रात लेट क्यों आया था? मैं पूछने वाली होती कौन हूँ? के कहा? जो तुमने सुना। छोड़ो मेरा हाथ। खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो। सनम! क्या सनम? तू पागल तो नहीं हो गई है? हाँ, मैं पागल ही तो हो गई हूँ। मैं पागल ही तो थी जो तुमसे शादी की। मैं पागल ही तो हूँ जो अपना घर छोड़ के तेरे साथ आई। मैं पागल ही तो हूँ जो अपने अब्बू को भी ना देख पाई। और अभी मैं पागल हूँ जो तेरे साथ रह रही हूँ, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मन्ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? हाँ हाँ तुमने। अगर मुझसे प्यार नहीं था तो क्यों मुझे शादी की? क्यों की मुझसे शादी? सोनम चिल्लाओ मत। मन्नत तेरे लिए क्या क्या नहीं करा मैंने? अपने खानदान की इज्जत की परवाह ना करी? जिसने कदे खेत में भी ना जाके देखा था उसने तेरे लिए अपना खून भी बहाया। जिसने कदे अपने बाप के आगे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी उसने सरेआम अपने बाप की इज्जत नीलाम कर दी। जिस बाप ने मेरे आज तक थप्पड़ भी नहीं मारा था वो भी मेरे ऊपर बंदूक लेके चढ़ गया। किसके लिए सोनम? किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए सोनम, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तू कहती है कि मन्नत तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? कहूंगी, एक नहीं हजार बार कहूंगी। अगर तेरा मेरे से जी भर गया तो मुझे घर से निकाल के नहीं देता। के कहा? तेरे से मेरा जी भर गया है? सोनम तू मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई, समझ ही नहीं पाई। शबनम, शबनम, चल पगली, तेरे रोने की आदत अब तक नहीं गई। अम्मी कैसी हैं? अम्मी ठीक है और हमारे पास हैं। हाँ शबनम, मैंने और साहिबा ने निकाह कर लिया है। मैं तो अपनी मोहब्बत को बर्बाद करने चला था, अगर राजेश भाई ना होते तो न जाने में क्या कर जाता, और अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करता। सच सोनम, कल राजेश आरिफ के पास भट्टे पर गया तो था काम के लिए, पर मेरे लिए वो खुदा का फरिश्ता बन गया। कल? हाँ कल, कल ही वो पाक दिन था जिस दिन मेरी जिंदगी सवर गई। बस दुख तो है अब्बू का, अब्बू होते तो।
चुप हो जा, मैं तो बस। अच्छा चल ये बता, राजेश कहाँ है? वो अच्छा हम चलते हैं, कभी फुर्सत मिली तो अम्मी को साथ लेकर आएंगे। या खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने प्यार पे शक किया, अपने राजेश पर शक किया मैंने। Thank you.
तेरा हर सुख लूट चुका, पीड़ निराशा की है मन में, भीतर से मैं टूट चुका, भीतर से मैं टूट चुका। पता ना कहाँ आतरा करी, निरी मोटा की गड्डी लावे है। पता ना किसके लिए आवे, और देखी तैयार होन जा रही अंदर, और देख देख वो वाली बेटी। मैं किसी काम जा रही हूँ और अभी आ जाऊंगी। अरे बुआ बैठ तो सही। क्यों, क्या बात है? तू बैठ तो सही एक बार। ले बैठगी बता। बुआ तू तो लंबे हाथ मारन लगी। अरे बुआ तू तो कसूती है, अली बाबा को भी फेल कर दी, रोज रोज नोटों की गड्डी लावे। कुछ मान मारे भी आते लगवा दे। तुम रहने दो, तुम बालक हो अभी, कदी लेने का देने पड़ जा वहाँ पे। अरे बुआ अब हम बालक ना रहे, कदी हमें भी मौका दे हाथ दिखाने का। तू हमें एक बार ले चल, हम उन्हें ऐसा पटाएंगे कि उनके घर में जितना नगद और गहने हैं सारा हमें ला के दे देंगे। तू उनसे नू कहियो कि इन्हें कुछ सोने की चीज भी दे दे, थारी ऐसी इज्जत बनेगी कि कार भी मिल सके शादी वादी में। यही तो मैं सोच रही हूँ, यो आखिरी दाव है, अब क्या कड़ा ही हाथ मारेंगे। तू एक बार ले चल हमें, फिर देख हम कैसे डायलॉग मारेंगे, चारों खाने चित हो जाएंगे। मैं यूँ कह दूंगी कि ये उनके चाचा की छोरी हैं और तुम्हें देखना ही है, और इनकी खातर पानी करो और विदाई भेंट दे के विदा करो। अरे बुआ ऐसे मुर्गे बेर बेर ना फंसते, अगर नुई है तो चलो फिर चल खड़ी हो ले। चाचा मुझे तो ऐसा लग रहा है यू लच्छो हमें लपेट की दिख है। अगर ऐसा हुआ ना तो घर तक ठालम्मा, पैसे ना छोड़ने काम है अपने, खचेड़ू लठ तैयार कर ले, आज बात ना बनी ना तो उसकी खाल तार लेवेंगे। माल मारेंगे? हाँ माल तो मारेंगे, मैं तो अब रोज की ससुराल जाए करूँगा। अरे चाचा हमें उसका घर का ना पता। पता पता तो वो बहुत खा जागी जो आज ना आई तो। अरे पैरे बट ज्यादा ना बोल रहे, मेरा सिर घूम जाएगा।
घूम कहूँ? अरे कहाँ घूम कहूँ, मुझे पता उसके घर का। आज तो तीनों आल लग रही, मुझे तो ऐसा लगे हमें देखने आ रही आज ये। राम राम चौधरी। लच्छो आजा आजा बैठ लच्छो। आजा 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 यहाँ बैठता लच्छो। आज तो बहुत जचरी मार ले दिखे मोर्चा। हाँ आज तो पूरा काम करके आई हूँ। हाँ ठीक करा ठीक करा। मका ये कौन है तेरी गैल? ये उनके चाचा की छोरी है, ये तो मैं देखने आई है। दहेज में आई? भाई वाह, या तो एक कग भी नसीब ना थी, अब दो दो मिल गई। भाई राम जी भी जब दे ना तो छप्पर पाड़ के दे। तो यू बता बरात लेके फिर कद को आवे? बताऊंगी बताऊंगी, कुछ खा पी तो लो। अरे खा पी लिए उसकी के बात है धड़कू, वे तीन दिन के समय से धरे वे लटा के चल जल्दी ला। चाचा वह दो दिन की चाय बनी देरी वा भी ले आऊं। अरे जाना मेरा मुंह क्यों देख रहा तू? अब बता बरात कौन से दिन लानी, कहाँ लानी, कौन से गांव में लानी और किस टाइम लानी? तुम बताओ थारा कद का ब्योत है? बड़ोत में, हम तो बड़ोत में भी आ जाएंगे। और बोल। अरे हमारा तो 24 घंटे बहुत रहे, तुम बताओ तुम कब उठ सको? हमें की उठना, उठने वाले उठेंगे। अरे तो बोलती को ना कद आवे बरात लेके। उन्होंने नू कही, उनसे पूछियो कदकू राजी है। साजी तू कह तो चल साजी ले आऊंगे ना, हमारा तो सबका अलग अलग मूड था बैंड बाजे लेने का, और मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। कल को उनका ना ही आवेगा सगुन लेकर, तारीख भी बता देगा। तो तू फिर क्या लेना ही? एक बार उरे को आओ, आओ तो सही। अजी मगा तारी बहन का नाम के है? कुआरी। जुहारी, नाम तो बहुत बढ़िया ले रही। दीके मेरी वाली का नाम तो बता दे की है। लाली है। लाली है। लाली है। बहुत प्यारा नाम है। बोल की बात है? ये लड़की छोरा देखने के लिए आई थी, और ये अपनी बहन से जाकर कहेंगी, और कल नहीं आवेगा। और मेरी बात बताई तो थी, थारी तीनों की तो बात कर रखी, उनके एक बुआ भी है, और दिखे जो चढ़ाना चढ़ा दो, फिर टाइम ना मिले। जेवर? और के जो तुम जेवर चढ़ाओगे वे गांव गली के नहीं देखेंगे, तुम के गिरे पड़े आदमी हो। जेवर तो मन ने पड़ोसी के घर रखे, अभी ले आठा के। बन की बात ले आए जी। ले आया खचेडू। लाठी ले। अरे लाठी का केक रोगे? अरे यार सारा माल लूट लूट के खागी मारा। अच्छा फिर तो एक काम करो, ये तीनों आयु आई कैसी यहाँ, इनते जबरदस्ती फेरे ले लो आज। अरे मैं तो इससे करूँगा ब्याह। और मैं इसकी गैल करूँगा, और मेरी मानो आज सारे एक हो लो। आज रात को 12 बजे ऐसी आंधी चलेगी, ये आदमी के ऊपर पड़ेगा, और जो बोल लगा वो मरेगा। तू भी मानने ना मानती। तुम हमें चोर मान रहे हो, थारा माल सारा वापसी कर देंगे हम। चलो ये छोरियो। हम ना जाती बुआ, हम तो यहीं रहेंगे, हमने इसे बड़े परिवार फिर ना मिला। और तू भी मान जा, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बुआ मान क्यों ना जाती, क्यों अपने साथ तुम्हारी भी जिंदगी खराब करे, तू भी कर ले ब्याह इनसे। ला आतेंगे गुला।
ओम गजाननम भूत गणाधिथे वितम कपित शंभु फल चारु भक्त मातम स्व विनाश कारक नामि विघ्नेश्वर पाद पंकज नामि विघ्नेश्वर पाद पंकज नामि विघ्नेश्वर पाद पंकज आज तक 15 ही फेरे लेके छुट्टू मां ओम भूत भूत ओम भूत भूत ओम भूत भूत ओम मंगलम पुंडरीकाक्ष ओम मंगलम तन्नो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय तनो हरि। आज सारे मंत्र पढ़ के मन में कोई कसर नहीं छोड़ो। अरे यू के हो रहा ब्याह हो रहा और के होता। प्रधान जी ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ भाई यू काम तुम ठीक ना कर रहे हो। मैं थारी रिपोर्ट थाने में लिखवाऊंगा, सुन लो तुम मेरी बात। अरे तो मारे में फिकर करे इसका मारो साले के। अरे पकड़ो इसे। तुम्हारा ब्याह बिगाड़ना आया। मारो मारो इसे। अरे थमो तो सही। मारो मैं मार दिया रे। और मारो ले। अरे ले 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 मार दिया रे। अरे का बात है अंदर घूमने भागे चले गए। ना तो मार तो मार तो खाल तार देंगे साले। खत्म कर तुम्हारा साले जानते तो मार तुम्हें। आज तो मुझे बहू मिली। अरे चाचा फेरे ले लो कभी टेम निकट जा। और तू कहां जा आजा मेरे साथ। तेरे बाकी है अभी तो कहां रे। मैं बहुत गणा दे रही हूं। कभी तो जंबू पल चारू वक्त ना मुहा तुम लोग विनाश कर। रजेश 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 ढोलक तू यहाँ। कपिल और दीपक भाभी को उठा के ले गए। हाँ कपिल और दीपक। हाँ हाँ कहाँ। मैं अपनी आंख से देख के आ रहा। चल मेरी गैल। चल चल मेरी गैल। चल जल्दी चल। राजेश चिल्ला और चिल्ला। तेरा तो चिल्लाना भी जादू सा लागे है सोनम। हंस और हंस। लेकिन इतना याद रख राजेश के आने के बाद तू हंसना तो क्या रोना भी भूल जाएगा। देख लेंगे तेरे राजेश को और दे साले को। हम तो पहले ही तुझे देख के सब कुछ भूल चुके हैं सोनम। बस एक बार वो यहाँ आने की गलती कर दे तो जाने की गलती हम ना करण दे उसे। वो आएगा, वो जरूर आएगा। राजेश राजेश वो देख कपिल और दीपक बलजीत के छोरे वो देख। मैं ताऊ और ताई को बुला के लाता हूँ। हाँ छोड़ता मेरी सोनम को नहीं तो मैं इसका टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छोड़ते देख तलवार नीचे कर नीचे कर नीचे कर भाई नीचे कर। मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। देख नीचे कर। नहीं राजेश मैं खोल रहा हूँ इसे। मैं खोल रहा हूँ। ले 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 मैंने खोल दिया। मेरे भाई को छोड़। पहले मेरे भाई को छोड़। तन्ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तू मेरी सोनम को उठा लाया। आज तुम बचने के ना हो। इब छोड़ मेरे भाई को। राजेश रुक 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 छोटे। बस हिलने की कोशिश ना करिए ना तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। हाँ
चल फेंक तलवार, तलवार फेंक। और सारे को छोटे संभाल इस कबूतरी को तू। भाई बलजीत के छोरे ने भाभी को से बांध रखा है। कहाँ पे? खेत में। चल मेरी गैल। चल तो जल्दी चल। और भाई गोपी खेती बाड़ी कैसे चल रही है? चल रही है प्रधान जी, आप सुनाओ। बस बढ़िया ही है। ईख वीख गिर गई? के बात हुई? चलो जल्दी चलो। कुछ हुआ अभी? वो मार देंगे मेरे बच्चे को। कौन मार देगा? मेरे बच्चे को बचा लो। बलजीत के छोरे मार देंगे। मारी बहू बांध रखी है बाग में। राजेश गया उनते लड़न। है छोड़, वो तो नुआ पिटता फिरेगा सुसरा। के क्या मरन दो? तुम कैसे बाप हो जो अपने छोरे की जरा भी परवाह नहीं है? मारे लिए तो वो उसी दिन मर गया था जिस दिन घर छोड़ कर गया था। मर गया? हाँ। पर मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे यूँ कतई ना मरने दूंगी। तुम्हें उस बहू पे भी तरस नहीं आ रहा? अपने उस खानदान के बारिश पे भी तरस नहीं आ रहा जिसे इस दुनिया में आने से पहले बेजाली खत्म कर देंगे? चलो महेंद्र सिंह, आज बलजीत और बलजीत के लड़कों को देखते हैं हम। इनके सीने में पत्थर है पत्थर। ये क्या जाने माँ की ममता, एक औरत की लाचारी। चलो भाभी मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में। रुक जा सुजाता। महेंद्र सिंह इतना कमजोर भी नहीं है जो अपने खानदान की इज्जत ना बचा सके। जब तेरा आशिक ही जिंदा नहीं रहा तो इस बोझ को लेके क्या करेगी? नहीं ए छोटे, लेकर दे हड़की इसको। तू मिटाएगा मेरे वंश को? राम जाते मैं तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। सोनू
सोनम तू बोलती क्यों नहीं? सोनम नहीं, सोनम यू सब क्या हो गया? सोनम 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 मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। सोनम नहीं, सोनम मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। यू क्या हो गया? राजेश बेटा, राजेश प्रधान जी मार दो इसे। बेटा क्या हो गया मेरी बहू को? उठ जा बेटी, उठ जा। राजेश बहू को हॉस्पिटल लेकर जा। बलजीत तू मेरे खानदान को मिटाने चला था, देख आके अपने खानदान को देख। ससुरों की सबकी लाश बिछा दी मेरे एकले शेर ने। दीपक, दीपक, कपिल, कपिल मेरे बच्चे क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बच्चे कपिल? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे कपिल। महेंद्र सिंह, डॉक्टर साहब घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अफसोस ये है कि हम बच्चे को नहीं बचा पाए। सोनम तुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सोनम सोनम तू बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। सोनम राजेश हमारा मुन्ना नहीं आएगा। राजेश वो हमसे रूठ के चला गया। राजेश वो हमसे रूठ के चला गया। वो कभी नहीं आएगा राजेश, वो कभी नहीं आएगा। वो आएगा सोनम, वो एक दिन जरूर आएगा। वो हमसे रूठ कर चला गया है ना, वो एक दिन तेरा प्यार पाने के लिए जरूर आएगा। वो आएगा सोनम, वो आएगा। चलो सोनम हम अपने घर चलते हैं।
राजेश की माँ रोक ले इसे। राजेश की माँ, माना कि आज मैं प्रधान नहीं हूँ, आज मेरे फैसले में वो ताकत नहीं है जिसे सारी दुनिया मानती थी, लेकिन महेंद्र सिंह है ना, चौधरी महेंद्र सिंह प्रधान, जिस शान से जिया है ना उस शान से मर के भी दिखा सकता है। चौधरी महेंद्र सिंह की शान ना तो कभी घटी है और ना घट सकती है, और आज भी उनके फैसले को उनका बेटा तो के पूरा इलाका भी नहीं काट सकता। बलम चीर कर मारे